राजगढ़ थाना प्रभारी विष्णुदत्त विश्नोई आत्महत्या मामले में सोमवार को सीएमआर में अहम बैठक हुई। विश्नोई समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मामले में सीबीआई जांच को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान सीएम गहलोत ने विश्नोई समाज को न्याय दिलाने और सीबीआई जांच पर दो दिन में फैसला लेने का आश्वासन दिया है। इस दौरान वन और पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई भी मौजूद रहे। सुखराम विश्नोई का कहना है कि हमें राज्य सरकार की एजेंसी पर पूरा भरोसा है, लेकिन समाज सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। वहीं बैठक के बाद सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि समाज के प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि सरकार इस मामले में विधि परीक्षण करवाकर शीघ्र ही फैसला लेगी। साथ ही कहा कि इस दुख की घड़ी में हम विष्णुदत्त के परिवार के साथ हैं। विष्णुदत्त विश्नोई राजस्थान पुलिस के कर्तव्य परायण एवं निष्ठावान अधिकारी थे। उनकी सेवा व कर्तव्य निष्ठा को सदैव याद रखा जाएगा। इस दौरान लोहावट विधायक कृष्णा राम विश्नोई, लूणी विधायक महेंद्र विश्नोई, नोखा विधायक बिहारी लाल दुड़ाराम विश्नोई सहित कई लोग मौजूद थे। सभी विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और कार्यकारिणी तरफ से ज्ञापन दिया और उसमें हमने सीबीआई की मांग की है। और अभी मुख्यमंत्री जी ने से बहुत लंबी हमारी मीटिंग हुई और बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने हमारी बात को सुना। और उनके विष्णु जी के जो भाई हैं संदीप जी, वो भी हमारे साथ हैं। उनके साले साहब अनिल जी, वो भी उस मीटिंग में थे। उनके सामने बात हुई और सीएम साहब ने कहा कि जी इतना सीरियस मामला है और मुझे खुद बहुत तकलीफ है विष्णु जी के जाने की। बहुत अच्छे ऑनेस्ट और बढ़िया आदमी थे। तो सीएम साहब ने कहा कि मुझे दो दिन का समय दे दो, दो दिन के अंदर अंदर मैं आपको फैसला करके दे दूंगा। सीबीआई को देने का जो फैसला है वो विद इन टू डे सरकार ने कहा कि एक सिस्टम होता है देने का सीबीआई को भी, तो सिस्टम के तहत फॉलो किया जाता है और दो दिन के अंदर अंदर आपको मैं फैसला करके दे दूंगा। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि हम लेटर हमारा गृह विभाग लिख देगा, उस बारे में क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा कि दो दिन के अंदर अंदर आपको फैसला करके दे दूंगा आपके आपके ज्ञापन का। सीएम राजी हो गए, सीएम काफी कन्विंस थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मार्क दो दिन के अंदर वो कर देंगे। राजधानी में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला।